दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार ऑलराउंडर मानते हैं, साथ ही साथ एक बेहतरीन कप्तान भी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने साल 2022 के आईपीएल में लाजवाब कप्तानी और ऑलराउंड प्रदर्शन करके सनसनी मचा दी है और इसी का नतीजा रहा है कि आगामी साउथ अफ्रीका के सीरीज के लिए उन्होंने कप्तानी के तौर पर उन्हें चुना जा सकता है। इसके लिए हार्दिक ने अभी सही अपनी एक संभावित प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। अपनी टीम में किन खिलाड़ियों को हार्दिक पांड्या ने जगह दी है उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साल 2022 के आईपीएल का समापन होगा, उसके बाद एक हफ्ते बाद ही भारतीय टीम टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका से 2-2 हाथ करेगी और ऐसी खबरें आ रही है कि इस सीरीज में विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा से लेकर कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। ऐसे में टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में जाने वाली है, जिन्होंने साल 2022 के आईपीएल में अद्भुत कप्तानी करके सबका दिल जीत लिया है। अब जब हार्दिक पांड्या को लग चुका है कि वो आगामी सीरीज के लिए कप्तान होने वाले हैं, तो उन्होंने अभी से अपनी संभावित प्लेइंग 11 तैयार कर ली है, जो कि पहले टी20 में खेलती हुई नजर आ सकती है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी शिखर धवन के साथ साथ केएल राहुल के कंधों पर रखी है। रोहित शर्मा के गैर मौजूदगी में शिखर धवन राहुल के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करेंगे और वहीं इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली की जगह खुद हार्दिक पांड्या ने अपने आप को मौका दिया है। आपको बता दें कि गुजरात के लिए खेलते हुए नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या ने अपनी जगह फिक्स कर ली है और ऐसे में जब भारतीय टीम के कप्तान होंगे तो उन्होंने बल्लेबाजी में अपने आप को पूरा मौका दिया है। दोस्तों, चौथे नंबर पर हार्दिक पांड्या की टीम में ऋषभ पंत शामिल है और वहीं इस वक्त जो दिल्ली के कप्तान भी हैं और हार्दिक को पूरी उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करके ऋषभ पंत भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। इसके बाद नंबर 5 पर उन्होंने मुंबई इंडियंस के धाकड़ खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को मौका दिया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया भर के गेंदबाजों से मनवाया। हालांकि दोस्तों, देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा कप्तान थे उन्होंने काबिले तारीफ बल्लेबाजी की है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ऑलराउंड की जिम्मेदारी में हार्दिक पांड्या ने खुद के साथ साथ दीपक हुड्डा और वेंकटेश अय्यर को मौका दिया है और इन दोनों खिलाड़ियों से हार्दिक पांड्या को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन को स्पिन विभाग की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं अब तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार और आवेश खान और हर्षल पटेल के कंधों पर होगी। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को शायद आराम दिया जा सकता है। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ हर्षल पटेल और आवेश खान को मौका दिया है और दोस्तों, हार्दिक पांड्या की टीम बेहद ही खतरनाक नजर आ रही है और साउथ अफ्रीका को इनसे पार पाना बेहद मुश्किल होगा। और वहीं आईपीएल में लाजवाब प्रदर्शन करके ये सारे खिलाड़ी अपनी खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में हार्दिक इन खिलाड़ियों से यही उम्मीद करेंगे कि वो अपनी पहली ही सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन करें और कप्तानी के तौर पर वो टीम को जीत दिलाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पांड्या की टीम सफल हो पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।